शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजा मंद हो। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूँ, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपका जो स्टाइल है और उसको बाखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था, शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही? मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। ये सब बनावटी बातें, घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पली मैरिड कपल, वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कारे ब्रूटस वा तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आते होंगे, तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। आप आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी, मैं हर बार आते आते हैं। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी, जो आप अपने घर में और अपने घर में भी सुना सकते हैं, ताजा ताजा शादी हुई आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही NN सिप्पी जिनके पिक्चर में प्रहलाद नीलानी डायरेक्शन दिया, उन्हीं NN सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए, और गए इनके पास। सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अरे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना इतना झेला इनके साथ। अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे। वो राष्ट्रीय कर्तव्य झेलना, शादी हो जाती है। आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी, कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदनलाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर,
खुराना ये बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो कहा बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी। ये बात सिद्धू भाई ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। पाजी हर काम में नंबर वन है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था समझिए। अच्छा जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जो मेरा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे, शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे, थी रो रही थी, मैं रो रहा था। इसे पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था पहली बार हॉस्टल में जी, तब ये मिली थी रो रही थी, तब मैं मिला था मैं रो रहा था, आज बच्चे हो गए आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा। क्या बात है, लव यू। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो रो वो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने मतलब आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार प्रपोज कर चुकी थी। हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी, और मुंबई आने के बीच में पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी, 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा, हालांकि छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया, डर के मारे हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल ना चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी, बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन, लेकिन जब आता रहा कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई, कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी कस्से कहानियां, लेकिन ये सुना दो एक आध। नहीं, ये घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी, वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता बिल्कुल है सर। और लौट के बुद्धू घर पे। कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी, कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। अच्छा हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैं आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसे ऐसे? क्या बोलूं? तो ये कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैं मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है। अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी है, तो मैम इनकी और इकलौती। जी जी। तो मैम महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा। शत्रु भाई यार गले लग जाओ एक बार। ठोको ठोको यार ठोको।
वाकई सही बात है। अरे क्यों गले लगे मालूम? जी जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी। तो पुनम मैम, मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हूं तू कार चल। आपको कैसे पता लगा? मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने फिल्म करी थी ना सर पुत जट्टा दे, धर्म पाजी और आप। हाँ। सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोली आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले बाद में ग्रामर। तो अच्छा। पहले गालियां सीख ली बाद में ग्रामर।